नमस्कार, मैं मिलन सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान रहा उसके बारे में। देखिए, जब ब्रिटिशर्स हम पर राज कर रहे थे तो उनसे स्वतंत्रता पाने के लिए हमने बहुत लंबा आंदोलन किया और बहुत वक्त के बाद हमें उसमें सफलता मिली। और इस आंदोलन में बहुत सारे राज्यों ने, कुल मिलाकर सारे ही राज्यों ने अपना योगदान दिया। और हम आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के योगदान के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पर आपको पूर्वांचल आईएएस में छत्तीसगढ़ पीएससी का, छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा का पूरा कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन के साथ। आपको बस गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, पूर्वांचल आईएएस का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है और वहां से अपने हिसाब से कोर्सेज ले लेना है। छत्तीसगढ़ के अलावा भी हमारे पास कोर्सेज हैं, जैसे कि यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी, एनसीईआरटी की किताबें जो अलग अलग विषयों की है उन पर भी कोर्सेज बने हुए हैं। आपको पता ही होगा हर परीक्षा के लिए एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है शुरुआत में। विज्ञान प्रौद्योगिकी, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, एथिक्स, सामाजिक इश्यूज, ये सारे के आपको वहां पे कोर्सेज मिल जाएंगे। अब देखिए, जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन की तो आपको पता होगा 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो आप यहाँ देखिए 1889 में कांग्रेस का एक सत्र हुआ, कहाँ पर? बॉम्बे में। बॉम्बे के इस सत्र को अध्यक्षता किसने की थी? विलियम वेडरबर्न ने की थी। और इस समय छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर भाग लिया था और इस सत्र को अटेंड किया था, ठीक है। मध्य प्रांत और बेरार को मिलाकर तकरीबन 214 प्रतिनिधि आए थे। ये ध्यान रखिए कि उस दौरान छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो जब हम मध्य प्रांत बोल रहे हैं इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ भी उसमें है। बात कर लेते तो छत्तीसगढ़ से सीएम ठक्कर, पंडित राम तिवारी, पंडित माधवराव सप्रे और वामन राव लाखे ने इस सत्र में अपनी भाग्यता दिखाई थी। उसके बाद यहाँ पर 1891 में हुआ नागपुर अधिवेशन, ठीक है, मतलब कि नागपुर में कांग्रेस का सत्र हुआ, अधिवेशन हुआ, जिसमें पनमक्कम आनंद ने अध्यक्षता की थी। यहाँ पर सरकार की जो नीतियां थी उसकी आलोचना की। देखिए, जब ये ब्रिटिश सरकार आई तो उन्होंने बहुत जगहों पे बदलाव लेके आए, लगभग हर जगह पे वो बदलाव लेकर आए। और एक जगह जो उनका बदलाव आया था वो था किसान को लेकर के, मतलब भूमि का जो दर था वो उसको लेकर के बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि उन्होंने कर बढ़ा दिया था और इस तरह से जो किसान है वो बहुत ही दबाव में आ चुके थे, बहुत कुछ दिक्कतें हो चुकी थी। तो इस तरह की जो नीतियां थी उनकी आलोचना इस अधिवेशन या इस सत्र में किया गया। छत्तीसगढ़ से यहाँ पर फिर से सीएम ठक्कर, पंडित माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, वामन लाखे, ये सारे लोग शामिल हुए थे। इसी दौरान जो मध्य प्रांत के मुख्य आयुक्त थे उन्होंने बिलासपुर का दौरा किया, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, उसका दौरा किया। तो जब उन्होंने दौरा किया ना तो लगभग 20,000 किसान और मालगुजार एक जगह पे एकत्रित हुए और उन्होंने अपनी दिक्कतें मुख्य आयुक्त से बताई कि भूमि का जो राजस्व का दर है वो बहुत ज्यादा है, वो कुछ निश्चित होना चाहिए, कुछ पता तो होना चाहिए कि हाँ इतना देना है, जो हमें ऋण की सुविधा मिल रही है उसका ब्याज दर कम होना चाहिए, नहीं तो हम इस तरह से तो दबते ही चले जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी दिक्कतों के बारे में मुख्य आयुक्त को बताया। ये सब हुआ था 1891 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 1894 जब आ जाता है तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में फिर से एक मुख्य आयुक्त ने दौरा किया। इस दौरान वुडवर्ड जो थे वो मुख्य आयुक्त थे मध्य प्रांत के। इससे पहले तो ये अलग आए थे मध्य प्रांत के, उसके बाद 1892 में कौन बन गए? वुडवर्ड बन गए और वो यहाँ पर आए छत्तीसगढ़ में। जब वो आए ना तो छत्तीसगढ़ उस समय क्या कहते हैं, अकाल से जूझ रहा था। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 सालों से अकाल ही चल रहा था। तो जब वो यहाँ पे आए तब भी छत्तीसगढ़ उस अकाल के ही अंदर था, गंभीर अकाल था और बहुत दिक्कतें हो चुकी थी। तो जब आए तो वो उन्होंने जायजा लिया, मुआयना किया जगह का और बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जिससे कि हम उस अकाल की स्थिति जो खराब हुई थी उससे उभर सके। तो इस तरह से ये एक और मुखायुक्त थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ का दौरा किया। देखिए 19वीं शताब्दी जब आई ना तो बहुत सारे सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों का स्थापना हुआ। आपको पता होगा ब्राह्मो समाज आया, आर्य समाज आया और बहुत सारे बदलाव हमारे सामाजिक ढांचे में आए थोड़े थोड़े, जैसे सती प्रथा को खत्म किया गया, विडो रीमैरिज, जो विधवा का विवाह है फिर से वो शुरू हुआ, ये सारी चीजें हुई। तो इन सबका असर छत्तीसगढ़ पे भी देखने को मिला। ये तो भारतीय स्तर पर हो रहा था लेकिन छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव देखने को मिला और तकरीबन 19वीं शताब्दी के ही समय कुछ चीजें यहाँ पर भी हुई, जैसे कि बुद्ध प्रकाश सभा बनी, रीडिंग क्लब बना, बिलासपुर जिले में बंगाल नागपुर रेलवे का संस्थान खुला। इसी तरह से
पुस्तकालय और वैज्ञानिक संघ खुला, मालिनी रीडिंग क्लब आया, शिक्षक संघ हुआ, कवि समाज हुआ राज्य में, छत्तीसगढ़ बाल समाज भी बना रायपुर में। ये सारे जो थे ना, सामाजिक के साथ साथ ये राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने के लिए भी बनाए गए थे, ताकि हम लोगों में इस भावना को और बढ़ा सकें, जिससे कि हमें जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें और लोगों का साथ मिल सके। उसके बाद देखिए, ये बहुत ही जरूरी है आपको जानना, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन। तो अब आप पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ मित्र क्या है और ये क्यों जरूरी है। देखिए, छत्तीसगढ़ मित्र जो है ना, छत्तीसगढ़ का पहला मासिक समाचार पत्र था, पहला न्यूज़पेपर था, और इस वजह से ये शुरू से ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, और आपको कई बार इसके सवाल देखने को मिले भी हैं। ये इस बार फिर से क्यों महत्वपूर्ण हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन समझिए, इसका प्रकाशन यहाँ 1900 से 1902 के आसपास हुआ था, और इसका प्रकाशन किया था पंडित माधवराव सप्रे ने, जिसमें उनका साथ दिया था राम राव चिंचोलकर ने। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी हो गया है वो समझिए। इसके स्थान की वजह से, जिस स्थान से इसका प्रकाशन शुरू हुआ है वो है पेंड्रा रोड। ठीक है, पेंड्रा रोड पहले बिलासपुर जिले में आया करता था, लेकिन 2019 में एक नया जिला छत्तीसगढ़ में बना है, जो कि है गोरल्ला पेंड्रा मारवाही। और जब ये जिला बन गया तो अब ये पेंड्रा रोड किस में आता है, अब ये आता है इस गोरल्ला पेंड्रा मारवाही में। तो अब इसके बाद ये करंट अफेयर्स या समसामयिक घटना के हिसाब से भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। देखिए, उसके बाद आ जाते हैं 1905 में। आपको पता हुआ 1905 में जो बंगाल का है वो विभाजन हो गया था, जो लॉर्ड कर्जन है उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को ये बताया कि बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। तो उस दौरान 1905 में जो कांग्रेस का सत्र हुआ, अधिवेशन हुआ, वो कहाँ पे हुआ था, बनारस में हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें भी छत्तीसगढ़ से कुल 6 लोग गए थे, वामनराव लाखे, माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ला, रामगोपाल तिवारी, बद्री प्रसाद और गजधर साव। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ ना, इसका पूरे पूरे भारत में विरोध हुआ था, ये तो हमें पता ही है, और इसके विरोध का छत्तीसगढ़ में भी असर देखने को मिला, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इसका विरोध हुआ। अलग अलग जगहों पे, बहुत जगहों पे सभाएं आयोजित की गई, भाषण दिए गए, ताकि लोगों को हम बता सके कि ये गलत हो रहा है और हमें इसके अगेंस्ट आवाज उठानी है, इसके खिलाफ हमें बोलना है। रायपुर बिलासपुर दुर्ग में बहुत सारी सभाएं आयोजित हुई और याचिकाएं भी दायर हुई। ताराचंद एक व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में बिलासपुर जिले में विरोध प्रदर्शन हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी दौरान यानी कि 1905 में नागपुर में पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ, ये प्रांतिक राजनीतिक सम्मेलन था, मतलब सेंट्रल प्रोविंस में पहला सम्मेलन हुआ लोगों का, प्रांत का, और वो लोग मिले। तो कांग्रेस का एक सत्र होता था, उसके बाद ये जो राजनीतिक सम्मेलन किया जाता था, और कांग्रेस में जो भी चीजें सामने आई हैं उसके बारे में बात किया जाता था। तो इस तरह से नागपुर में जब ये पहला राजनीतिक सम्मेलन आयोजित हुआ, तो सम्मेलन में ये है कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी बिल्कुल वहां पे अपना योगदान दिया, वो वहां पे गए। आप देख रहे हैं, हम शुरू से देख रहे हैं कि कांग्रेस सत्र को भी छत्तीसगढ़ के लोग वहां पे जाके भाग लेते थे, उसमें शामिल होते थे। तो जब ये प्रांतिक राजनीतिक सम्मेलन यहाँ पे हुआ, प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ, तो उसमें हमने देखा कि कांग्रेस की गतिविधियों का सीधा सीधा प्रभाव छत्तीसगढ़ पर भी पड़ रहा था। कांग्रेस जो जो फैसले ले रही थी उसका, उसमें पूरा पूरा जो योगदान था छत्तीसगढ़ भी अपना दे रहा था। जब उन्होंने ये कहा कि बंगाल का विभाजन है, हमें विरोध करना है, छत्तीसगढ़ ने भी पूरा पूरा अपना योगदान दिया। देखिए, फिर बात करेंगे 1906 की। आपको पता होगा कि बंगाल के विभाजन के बाद 1906 के समय हमारा जो है स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, जहां पे हम स्वदेशी चीजों का ही इस्तेमाल ज्यादा कर रहे थे और बाकी सबको बॉयकॉट कर रहे थे। ये बंगाल के जो पार्टीशन हुआ था, जो विभाजन हुआ था, उसके खिलाफ था। तो इस दौरान छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ और छत्तीसगढ़ ने कैसे योगदान दिया, ये देखिए। उससे पहले यहाँ पे देखिए कि 1906 में कांग्रेस का जो सत्र है वो कहाँ पर हुआ, कलकत्ता में हुआ, और इसमें अध्यक्षता किसकी थी, दादा भाई नरोजी की थी। छत्तीसगढ़ से भी लगभग ये 3 लोग वहां पर गए और शामिल हुए, माधवराव सप्रे, वामनराव लाखे और पंडित रविशंकर शुक्ला। जरूरी बात यह है कि यहां पर कांग्रेस ने स्वराज को अपना गोल बनाया या अपना उद्देश्य बनाया, इसलिए ये जो सेशन है, ये जो सत्र है, ये बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तो हुआ भारतीय स्तर का, लेकिन याद रखिएगा कि 3 लोग छत्तीसगढ़ से भी गए थे, जिन्होंने वहां पर अपनी शामिल हुए, जो अपनी वहां पर प्रेजेंस उन्होंने दिखाई। इसके अलावा क्या हुआ 1906 में ही एक समित्र मंडल बना। ठीक है, क्या बना, समित्र मंडल बना, और किसके द्वारा बना, पंडित
सुंदरलाल शर्मा ने इस समित्र मंडल को बनाया, इसको भी आपको बहुत बार सवाल देखने को मिल जाते हैं। इसका उद्देश्य फिर से राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ाना था। देखिए, उस समय जब हम राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे थे, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे थे, तो जो समितियां बन रही थी, जो भी हम समाचार पत्र जो प्रकाशन हो रहा था, ये सब किस लिए हो रहा था? ताकि हम लोगों तक पहुंच सके, जन जन तक पहुंच सके, और हम उनके अंदर वो राष्ट्रीय भावना को और बढ़ा सके, जगा सके, और हम उन्हें बता सके कि आप भी आइए, हमारा सहयोग कीजिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। दूर दूर जो बैठे लोग हैं वो भी समझ पाए कि हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। उसी में एक था ये समित्र मंडल जो छत्तीसगढ़ में बना, ठीक है। और 1906 में ही क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थापना हुई। देखिए, जो कांग्रेस 1885 जब आया था 1885, तो भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। बॉम्बे में ही उसका पहला सत्र हुआ था, उम्मीद है आप जानते होंगे क्योंकि ये भारतीय इतिहास का हिस्सा है। 1906 में कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हो गई, छत्तीसगढ़ में। स्थान था रायपुर, और किसने स्थापित किया, तो वो थे सीएम ठक्कर, ये आप याद रखेंगे। इसमें कांग्रेस की सदस्यता किसने ग्रहण की, तो वो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। यही सुंदरलाल शर्मा जिन्होंने समित्र मंडल की स्थापना भी की, उन्होंने इस सत्र में कांग्रेस की जो है सदस्यता ग्रहण की, ठीक है। इसी दौरान दूसरा प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ। हमने देखा 1905 में पहला हुआ था नागपुर में, उसके बाद दूसरा ये जो हुआ वो हुआ कहां पे, जबलपुर में। इस समय पे दादा साहेब खापर्दे जो एक थे व्यक्ति, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को लेकर के एक प्रस्ताव पारित किया। आपको पता ही होगा कि ये जो कलकत्ता सेशन था 1906 का, यहाँ पर भी स्वदेशी आंदोलन को लेकर के प्रस्ताव पारित हुआ था कि क्या क्या करना है, कैसे रणनीति से आगे बढ़ना है स्वदेशी आंदोलन में। और उसी का यहाँ पर देखने को मिला जब दूसरा प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ, तो प्रांत के लोगों ने भी एक स्वदेशी आंदोलन जो है प्रस्ताव के लिए जिसमें पारित किया, जिसमें सबसे अहम भूमिका किसकी है, दादा साहेब खापर्दे की। तो ये पूरा सब कुछ क्या हुआ है, 1906 में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने ये ऊपर में 1906 लिख दिया, क्योंकि इतनी सारी चीजें यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 1906 में हुई, यहाँ पे उसका लेन देन नहीं है। 1907 में एक सूरत कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, सूरत में हुआ। इसको सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इस सत्र में क्या हुआ कि जो कांग्रेस है वो दो दलों में विभाजित हो गई थी। आपको पता होगा सूरत स्प्लिट या सूरत विग्रह के नाम से ये जाना भी जाता है। तो उस समय पे क्या हुआ, स्थान सूरत था, और उसका जो अध्यक्षता थी उन्होंने किसने की थी, रास बिहारी घोष ने की थी। छत्तीसगढ़ से पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघालय और श्री राम कुंज ने यहाँ पर शामिल हुए थे वो इस अधिवेशन में। तो इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था दो समूह में, एक थे नरमपंथी और एक अतिवादी, मतलब कि गरमपंथी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, क्योंकि ये दोनों के जो सोचने के तरीके थे ना, इनमें बहुत सारा फर्क था। और जिस तरह से ये स्वदेशी आंदोलन कर रहे थे, दोनों की सोच में फर्क था। एक्सट्रीमिस्ट जो थे, गरम दल, वो दूसरा तरीका अपनाना चाहते थे, वो नरम दल के जो तरीके थे उनसे सहमत नहीं थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों जो समूह है वो टूट गए। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी बिल्कुल देखने को मिला, कैसे आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे 1907 में ही फिर तीसरा प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ, उसका किसने अध्यक्षता किया, हरि सिंह गौड़ जो थे उन्होंने उसकी अध्यक्षता की। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी ये विभाजन देखने को मिला, कुछ नरमपंथी थे वो अलग हो गए, और ये अतिवादी या कहना चाहिए गरमपंथी थे वो अलग हो गए। तो नरमपंथी कौन कौन थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर शिवराम मुंजे और एक डॉक्टर केलकर हुआ करते थे, वो लोग थे नरमपंथी दल में से। गरम में अगर हम बात कर लें तो आते हैं माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ला और ये दादा साहब खापर्दे जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट का वो प्रस्ताव रखा था, या स्वदेशी आंदोलन का कहना चाहिए, प्रस्ताव रखा था, ठीक है। तो ये 1907 में यहाँ पर ये सब हुआ। उसके साथ साथ एक और बहुत ही जरूरी चीज हुई, भारत देश का पहला विद्यार्थियों द्वारा किया गया हड़ताल यहाँ पे हुआ, स्टूडेंट स्ट्राइक जिसको कहते हैं। विद्यार्थियों ने हड़ताल की, ये भारत देश की पहली हड़ताल थी जो विद्यार्थियों ने की थी 1907 में। कहाँ पर, नांदगांव में, जो फिलहाल राजनांदगांव है। और ये जो बच्चे थे ये राजकीय उच्च स्कूल के बच्चे थे जिन्होंने ये किया, माध्यमिक विद्यालय के। और इसके नेता कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इनके नेतृत्व में इन बच्चों ने क्या किया था, देश की पहली विद्यार्थियों की हड़ताल की थी। देखिए, अब वो सब हो गया 1907 में, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े, वक्त आगे बढ़ता गया। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक हैं जिन्होंने कुछ चीजों का प्रकाशन किया था, वो केसरी का प्रकाशन किया करते थे मराठी भाषा में। आपको पता होगा
कि केसरी का वो प्रकाशन किया करते थे मराठी भाषा में, तो इस केसरी का हिंदी संस्करण भी किसी ने बनाया और वो कौन थे, वो थे माधवराव सप्रे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के माधवराव सप्रे ने तिलक जी के मार्गदर्शन में क्या किया, केसरी जो मराठी में बनता था उसका हिंदी संस्करण प्रकाशन करना शुरू कर दिया। मतलब केसरी में मराठी में जो भी छपा करता था, जो समाचार पत्र था ये केसरी, उसमें जो भी छपा करता था उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके माधवराव सप्रे छापते थे। ठीक है, इसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था एक बार जब उन्होंने टिप्पणी को छाप दिया था। आपको पता ही होगा कि ब्रिटिशर्स के राज में जो छपता था उसके बाद अरेस्ट कर लिया जाता था अगर कुछ भी ऐसा होता था जो कि सरकार के खिलाफ होता था, वो हुआ था। उसके बाद 1909 की जब हम बात कर लेते हैं ना, तो 1909 में हम देखेंगे कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने पंडित राजूलाल शर्मा और छविलाल चौबे की सहायता से राजनांदगांव में एक सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की। इसके बारे में सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि आखिर ये सरस्वती पुस्तकालय कहाँ पर है और किसने इसकी स्थापना की, कब की, तो ये है राजनांदगांव में। 1909 में इसकी स्थापना हुई, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने की और इसमें उनकी सहायता किसने की, पंडित राजूलाल शर्मा और छविलाल चौबे से, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद 1912 का जो वक्त आया उसमें रविशंकर शुक्ला ने कन्या कुंज सभा की स्थापना की, रायपुर में की कन्या कुंज सभा की स्थापना 1912 में। देखो इतिहास में कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आपको रटनी ही पड़ती हैं, क्योंकि वो हो चुकी है, जो भी होना था वो हो गया, आपको बस याद रखना है कि वो क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया और उसके होने के बाद क्या असर पड़ा, यही तो इतिहास है। देखिए उसके बाद हम 1913 की बात करें तो एक बैरिस्टर छेड़ीलाल थे, बहुत ही मशहूर रहे हैं वो भी यहाँ के, वो इंग्लैंड से वापस आए बिलासपुर, बिलासपुर के रहने वाले थे, तो इंग्लैंड से वापस बिलासपुर आए और फिर इन्होंने ना राष्ट्रीयता का प्रचार करना शुरू किया। मतलब कि राष्ट्रीय भावना जो थी, हम बता रहे हैं कि हम लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाने की कोशिश कर रहे थे, तो इन्होंने भी उसका प्रचार प्रसार शुरू किया और इसके लिए ये नौटंकी का आयोजन करने लगे। आपको पता होगा नौटंकी एक तरह का एक ड्रामे की तरह होता है जो आयोजित किया जाता है, लोग होते हैं उसमें, वो आपको बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, प्रेरित करते हैं, तो ये नौटंकी का आयोजन शुरू किया और उसके द्वारा इन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने की कोशिश करी। और उसके बाद 1914 में एक और जो बैरिस्टर थे, ये भी बिलासपुर के थे, ई राघवेंद्र राव, ये भी इंग्लैंड से लौटे। 1913 में बैरिस्टर छेड़ीलाल लौटे, फिर 1914 में बैरिस्टर ई राघवेंद्र राव लौटे। देखिए अब बात आती है 1915 की, कि क्या हुआ 1915 में। तो 1915 में हमारा चौथा प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ। तीसरा कब हुआ था, 1907 में, जब वो सूरत का विभाजन हो गया था। उसके बाद सीधे ना यहाँ पे आए सूरत सेशन में, जब सूरत का जो सत्र था वहां पे कांग्रेस का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था, और उसके बाद ये प्रांतीय सभा में भी विभाजन हुआ था। मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ के भी जो कांग्रेस थे वो दो भाग में विभाजित हो गए, नरम दल गरम दल, और उसके बाद सीधे यहाँ पर आके चौथा प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ 1915 में, और ये हुआ नागपुर में। और इस सम्मेलन को दोनों ही दलों ने वहां पर अपना अटेंड किया, या बोलना चाहिए कि दोनों ही दल के जो नेता है उन्होंने भाग लिया। आप देख सकते हैं कि इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों ही नेता आए, और ये क्यों और कैसे आए, ई राघवेंद्र राव जो थे इन दोनों ने मध्यस्थता कराई इन दलों के बीच में। मतलब ये मीडिएटर बने दोनों दलों के बीच में और दोनों दल वालों को लेकर के आए समझा के कि चलिए हमें एक साथ मिलकर ही बात करनी होगी, ऐसे अलग अलग बंटने से हमें स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, हमें साथ में रहना जरूरी है। तो ई राघवेंद्र राव जो कि 1914 में इंग्लैंड से लौटे थे, मैंने आपको बताया, वही ये थे जो इन दोनों दलों को एक साथ में लेकर के आए 1915 के इस प्रांतीय अधिवेशन में। इनको प्यार से राव साहब भी बोला जाता था, मतलब दूसरा नाम इनका राव साहब है, बिलासपुर के रहने वाले, मैंने आपको बताया ही। तो ये बिलासपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष बने, 1915 में ही बिलासपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष बने, और साथ में इन्होंने इनको बिलासपुर जिला परिषद का सचिव भी चुना गया। तो जब इनको सचिव चुन लिया गया तो इन्होंने क्या किया, झंडे फहराया और लोगों का खादी पहनना अनिवार्य कर दिया और वंदे मातरम गाना जो है वो गाना गाया जाने लगा प्रार्थना सभा में। ठीक है, इसी दौरान 1915 में व्यापारियों का सम्मेलन भी हुआ, भाई व्यापारी भी तो थे उस समय, उनका एक सम्मेलन हुआ कहाँ पे, रायपुर में, टाउन हॉल जो रायपुर में वहां पे हुआ। यहाँ पे दिनांक भी याद रख लो, कई बार पूछ लेता है, तो 20 जून 1915 को ये व्यापारियों का क्या हुआ, सम्मेलन हुआ।
अब आ जाते हैं 1916 में। देखो 1916 में अगर भारतीय पे हम बात करें, वैसे आप ये भारतीय इतिहास में भी पढ़ोगे तो एक लखनऊ का सत्र हुआ था, इसको लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं। तो लखनऊ का जब ये सत्र हुआ था ना, तो कांग्रेस के जो दो विभाजन हुए थे, नरम और गरम दल, वो दोनों साथ आए थे। ये लेकिन भारतीय में बता रही हूँ, छत्तीसगढ़ का तो दोनों 1915 में ही साथ आ गए थे, लेकिन जब बात हम भारत के स्तर की करते हैं तो 1916 में एक तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस वाले भी साथ में आए थे और साथ में नरम और गरम दल के लोग भी साथ में आए थे। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हुआ उस समय, हमारे लिए ये जानना जरूरी है। तो देखिए 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग भी चल रहा था, एक तिलक का था और दूसरा जो शाखा थी वो एनी बेसेंट की थी। तो इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग चल रहा था उसका असर हुआ, ना कि एनी बेसेंट का। तो ये आप ध्यान रखिए क्योंकि ये सवालों में कई बार पूछा भी गया है। तो तिलक जो होम रूल लीग चला रहे थे ना, उसका असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। और यहाँ पे फिर कई लोग थे जो जगह जगह पे नेता बने और उन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की तरफ से लोगों में फिर से राष्ट्रीयता की भावना जगाने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की गई कि आखिर चल क्या रहा है, ब्रिटिशर्स की नीतियों का कैसे आलोचना उन्होंने किया और लोगों को ये उजागर करने की कोशिश की कि भाई आपको समझना जरूरी है। रायपुर में जो नेता थे वो कौन कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ला, लक्ष्मण राव, मूलचंद बगाड़ी, माधवराव सप्रे। बिलासपुर में थे आपके ई राघवेंद्र राव, गजाधर साव, मुन्नीलाल, स्वामी गोविंद, प्रसाद तिवारी, अंबिका प्रसाद। दुर्ग से घनश्याम गुप्ता जी और राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ये आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि कई दफा अगर आपने पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखे होंगे तो पूछा गया है कि कौन से नेता किस जगह के थे। तो ये आपको याद रखना है कि रायपुर में कौन कौन से नेता थे, बिलासपुर के कौन कौन नेता थे, दुर्ग के कौन कौन थे, राजनांदगांव के कौन कौन थे और इन्होंने क्या क्या अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑल इंडिया होम रूल लीग 1916 के समय पे जो योगदान था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ हुआ होगा उसके बाद भी। बिल्कुल 1918 में गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो रायपुर आए। आपको पता है कांग्रेस के ये नेता थे और ये गांधी जी के गुरु भी माने जाते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और ये रायपुर आए मई 1918 में, जो आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ एक और सम्मेलन हुआ फिर प्रांतीय, जो 1915 में चौथा हुआ था, उसके बाद पांचवा ये हुआ 1918 में, कहां, रायपुर में, ये याद रखना। इसको होम रूल लीग सम्मेलन का ही नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से रणनीतियों की बात हुई कि आगे और किस तरह से होम रूल लीग को लेकर जाया जा सकता है और किस तरह से लोगों तक पहुंचा जा सकता है। इसमें अध्यक्ष कौन थे, रविशंकर शुक्ला। और यहाँ जरूरी यहाँ पर सोचने वाली बात है कि इस समय पे बाल गंगाधर तिलक भी रायपुर आए। यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले तो आए ही आए थे 1918 में, इस जो सम्मेलन जो ये हुआ इसमें बाल गंगाधर तिलक आए अपने होम रूल लीग का प्रचार करने के लिए। ठीक है, इसी दौरान 1918 में एक और चीज हुई, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने क्या किया, जनेव कार्यक्रम कराया। जनेव एक पवित्र धागा होता है जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं, उसका एक कार्यक्रम कराया, लेकिन इन्होंने ये जो नीची कास्ट वाले लोग हैं उनको पहनाया, उनके लिए कराया पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। तो ये एक सामाजिक बदलाव लाने की एक कोशिश थी। तो ये क्या था, पहला हिस्सा था हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के योगदान का, जहाँ पे हमने देखा कि लगभग 1889 से लेकर के 1918 तक क्या क्या हुआ। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी रॉलेट एक्ट से असहयोग आंदोलन से लेकर उसके आगे तक, बिकॉज वो बहुत बड़ा है, असहयोग आंदोलन हमें अलग से पढ़ना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से आपको याद दिला दूं, पूर्वांचल आईएएस में जाकर इसे डाउनलोड करना ना भूले, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले और अपने हिसाब से आप अपने विषयों का चयन करें, घर बैठे तैयारी करें और सफलता को प्राप्त करें। थैंक यू।